और जो भी सांप ने काट दिया इनकी लड़की को तो वो खत्म भी हो गई। तो ये आप देख रहे हैं भाई, दिक्कत तो है ही है इनकी। बाबू जी और विकास जी, इन्होंने अपनी दिक्कतें हमें बताई, उन्होंने बताया कि हमें बहुत दिक्कत है यहाँ पर और घर भी हमारा गिर चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इनका बेचारे किस तरह से यहाँ पर ये रह रहे हैं। ये देखिए, ये चार पांच इनकी लड़कियां भी हैं। ये देखिए, इनका घर पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए, सारा घर इनका टूटा हुआ है। और जो भी सांप ने काट दिया था इनकी लड़की को तो वो खत्म भी हो गई। तो ये आप देख रहे हैं भाई, दिक्कत तो है ही है इनकी। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ पर आसपास जो भी देख रहे हैं तो बहुत दूर तक वो पहुंचाएं। और मैं ये चाहूंगा इस वीडियो को हमारे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक देखें। मैं ये चाहूंगा जो बेचारे अपने यहाँ पर सड़क किनारे पेट पालना किस तरह से रह रहे हैं। आइए आगे मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं घर की स्थिति क्या है इनकी। ये आप देख सकते हैं घर, देखिए इनका पूरा गिरा हुआ है। ये देखिए किस तरह से रह रहे हैं। अंदर आ जाओ। ये देखिए अंधेरा अंधा को लाइट आती है बाबू जी यहाँ पर? हाँ, लाइट आती है। लाइट जलाओ जो। लाइट कहाँ है? लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका किचन है। ये देखिए घर, हमारा घर तो वही है। अच्छा चलो ठीक है। ये देखिए किचन है, किस तरह से यहाँ पर सादा भोजन बनता होगा। ये आप देख सकते हैं चूल्हा, चूल्हा चौका और तवा वगैरह चिमटे वगैरह रखा है। लकड़ी जला करके खाना बनाते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा, अच्छा बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और मैं यही लास्ट में वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे मैं चाहूँगा कि चाचा जी हमारे भाऊ जी जो हैं इनको, इनके वीडियो को इन्होंने जो हमें बताया दिखाया, अपना घर भी दिखाया, बहुत ही हर जगह पहुँच जाए वीडियो ताकि इनको कुछ फ़ायदा मिल सके। भाऊ जी आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल नर्वस मत होइए। आपको जो है और सभी लोग आपको कहीं कोई ना कोई जो है आपका कोई फायदा होगा, जो हम अपने व्यूअर से और अपने सब्सक्राइबर से भी बोल रहे हैं। और आपके लिए परेशान मत होइए, अब आपसे भी बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? अच्छा थैंक यू, धन्यवाद।